हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू भावनाज ब्लॉग। भावनाज ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आज मैं लाई हूँ स्पेशली एक फेज रेसिपी, जो स्पेशली मैं वेजिटेरियन फ्रेंड्स को डेडिकेट करना चाहूँगी। और ये सीजन वेजिटेबल्स से बनता है, बहुत हेल्दी होता है और बहुत टेस्टी भी होता है और बहुत ईजीली भी बन जाता है। देखिए, देखने में कितना यम्मी लग रहा है ना, और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। और कलर भी कितना अच्छा आया है। देखिए, मैंने कोई कलर नहीं डाला इसमें, फिर भी कितना अच्छा कलर आया है। मैं कोई मसाला भी नहीं डाला, तो सब लोग इसे ट्राई कर सकते हैं। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और जिन लोगों के पास स्पेशली टाइम नहीं होता, ऑफिस करता है, घर भी संभालता है, तो उन लोगों के लिए भी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ और लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। और अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सब्जी आप अपने मनपसंद से डाल सकते हो कोई भी। मैंने लिया है थोड़ा सा बीन्स, थोड़ा सा पपैया, दो नलखल मेरे गार्डन से, थोड़ा मटर, एक आलू, थोड़ा सा कैरेट, एक टोमेटो, एक बैंगन और थोड़ा मसूर दाल। सबको मैंने ऐसे पीस कर लिया है। मसाले में दो सिली, थोड़ा जिंजर गार्लिक पेस्ट, एक बड़ा साइज़ का ऑनियन और गार्निशिंग के लिए मेरे गार्डन से थोड़ा सा कोरिएंडर लीफ और गार्लिक लीफ। तेल भी कितना कम दिया मैंने, देखिए कितना कम दिया है। इतने तेल में हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंजॉय कीजिए। Spend 24 hours, any more hours with you.